महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना महामारी की बीमारी ने जहां अपने पैर पसार रखे हैं, वहीं पर तालाबंदी से परेशान मजदूर लोग भूखे प्यासे अपने गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इन्हीं मजदूरों के बीच मुंबई महाराष्ट्र लॉकडाउन हेल्पलाइन की एक टीम ने मजदूरों के बीच में देवदूत बनकर मुंबई नासिक हाईवे पे फंसे लोगों तक राहत सामग्री और पानी की बोतल पहुँचाकर मानवता की मिसाल पेश की। गांव जा रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? कहाँ गांव है आपका? हाँ, बहराइच। और कौन है साथ में? हम लोग तकरीबन आज 50-52 दिन से काम कर रहे हैं। इसमें अलग अलग संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। हमारा एक हेल्पलाइन चालू है, लॉकडाउन हेल्पलाइन करके। उसका मोबाइल नंबर है 9379391937-1656। हम लोग 52 दिन से तकरीबन 50 दिन से हम सिर्फ राशन का काम कर रहे थे अलग अलग एरिया में। लेकिन तकरीबन जब से हमको ये 5 दिन से मालूम पड़ा है कि माइग्रेंट लोग जाना चालू कर दिए हैं, तो हम सारे संगठन मिलके, हमारे एनजीओ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे अंकल हैं, हमारे मनु भाई हैं, रिचर्ड भाई हैं, चैत्रा है, ऐसे अनगिनत नाम हैं, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। हमको सिर्फ एक ही काम है, लोगों की खिदमत करना, समाज के काम आना, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, चाहे वो पके हुए रेडी फूड के माध्यम से हो। तकरीबन हम 50-52 दिन से कर रहे हैं, आगे भी हमारी ताकत रहेगी तो हम आगे भी इस तरह करते रहेंगे। सर, एक सवाल है आपसे। जैसा आपने कहा है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लॉकडाउन हेल्पलाइन नंबर आपने चालू किया, तो आप ये राशन के माध्यम से कर ही रहे हैं, इसके आगे आप लोगों की जो एक संस्था है या जो आपका ग्रुप है, इसके आगे आपकी क्या राय है और मतलब इसके बारे में बताएंगे कि कुछ और मदद? देखिए, समय समय पे हमारे संगठन के लोग और जो भी हमारे साथी लोग हैं वो गवर्नमेंट से अपील करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले रेलवे का इशू हुआ, तो उसके बाद भी हमने गवर्नमेंट को अपील किया कि ये जो माइग्रेंट वर्कर लोग हैं, ये बेचारे बहुत गरीब हैं, हम देख रहे हैं 50 दिन से इनको खाने के लिए नहीं है, तो ये टिकट कैसे देंगे, टिकट के पैसे कैसे देंगे। अभी मालूम पड़ा है कि ये लोग 3-4 हज़ार रुपया दे के अपने अपने गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में जो गांव से उधार मंगा रहे हैं लोग, कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई अपना ज़मीन गिरवी रख रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देवे, यही हमारी अपील है। और हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन चाहे वो हम सामाजिक लोग हो या चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आपके लॉकडाउन हेल्प लाइन नंबर में जो अभी देख रहा हूँ कि आपकी युवा टीम काम कर रही है, मैंने खुद खड़े होकर 0 भी ग्राउंड पे देखा है, तो आप अपनी युवा टीम के लिए या और युवा लोगों के लिए, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी ये टीम में लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ युवा लोग करते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं हमारे अंकल तकरीबन 60 है, और एक अंकल हमारे और हैं जो हमारे बैकन में काम करते हैं। बैकन में भी तकरीबन 80 साल के उम्र के लोग भी काम करते हैं, मतलब जो लोगों ने 1984 में मदद किया था लोगों के लिए, समाज के लिए, वो आज भी काम कर रहे हैं। और आगे अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हमारे लोगों का ऐसे ही साथ रहा, हम आगे भी काम करते रहेंगे।
सर, दो शब्द और आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जो हमारे हालात हैं वो पूरी इंडिया में बहुत से ज़्यादा तकलीफ वाली है, लेकिन महाराष्ट्र प्रशासन से जितना हो रहा है उतना कर रही है। लेकिन हम फिर भी अपील करना चाहेंगे कि जो IPS IAS लोग हैं वो ज़मीन पर उतर के थोड़ा देखें किस तरह की लोगों को परेशानी है, तो और बेहतर काम हो सकता है। अभी आप कहाँ से हो, आप यहाँ का परिचय देंगे? हम लोग डोंबिवली से हैं, खारघर से हैं, पलावा से हैं, और पूरे मुंबई के थाने, हर सबब के हर डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो मुंबई हो, सबब मुंबई हो, थाना डिस्ट्रिक्ट हो, नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे हमारे तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। थैंक यू सर।